नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि राफेल F3 और F4 के बारे में मैं आपको बताऊं, और साथ ही साथ दोस्तों इंडिया को राफेल इस समय क्यों नहीं लेना चाहिए जो अपनी नई MMRCA 2 की डील है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, एक्चुअल में जो राफेल इंडिया ने लिया है, इससे पहले 36 राफेल जो इंडिया ने लिए हैं वो राफेल के F3 मॉडल्स हैं। और दोस्तों, जैसा कि हो सकता है आपको पता भी हो कि राफेल यानी कि डसॉल्ट ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अब राफेल के F4 वर्जन पर काम करेगी, और इवन उसने ये काम करना शुरू भी कर दिया है। राफेल का फुल फ्लेश्ड वर्जन दोस्तों 2024 से 2025 तक आ जाएगा, और 2022 से ही कई सारे F4 वर्जन के जो फीचर्स हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे राफेल में। तो दोस्तों, जहां पे इंडिया ने ऑलरेडी क्योंकि F3 वर्जन खरीद लिए हैं 36, लेकिन अब जब हमें नए 110 राफेल या फिर कोई भी नए फाइटर जेट्स खरीदने हैं, तो उस केस में क्या इंडिया को राफेल F3 वर्जन के साथ फिर से जाना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। क्यों दोस्तों, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको राफेल F4 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं F3 वर्जन से, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन लास्ट तक देखना, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि राफेल F4 वर्जन जो है, ये एक तरीके से आप समझो दोस्तों, एक बिल्कुल ही नया राफेल बनने वाला है। क्योंकि जो भी एक फाइटर जेट की मेन टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन सब में इसमें चेंजेस किए जाएंगे अगर आप इसे F3 वर्जन से कंपेयर करोगे। इसमें दोस्तों टोटल 8 चेंजेस किए जाने हैं। इसको दोस्तों हम 1x1 करके समझेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे और इससे राफेल की क्षमता में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कनेक्टिविटी, डेटा लिंक एंड कम्युनिकेशन का। दोस्तों, नए राफेल के F4 वर्जन में बिल्कुल ही न्यू सैटेलाइट और इंट्रा पेट्रोल लिंक्स बनाए जाएंगे, जिसके थ्रू दोस्तों राफेल की कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज दूसरे फाइटर जेट से या फिर लैंड बेस पे बने कंट्रोल रूम से बहुत ही सिंपल और सिक्योर इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा, और इसे किसी भी तरीके से जैम कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल होगा कि ये किसी भी आम कंट्रीज के आम फाइटर्स के जेट के बस में नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, बहुत ही एडवांस डेटा लिंक F4 में इंस्टॉल होगा, की वजह से इसकी कम्युनिकेशन और डेटा लिंक की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज भी जो दोस्तों किया जा रहा है, वो है राफेल के रडार में। दोस्तों, आपको पता होगा राफेल में RBE2 लगा है, उसमें क्या चेंजेस किए जा रहे हैं ये कुछ कंपनी स्पेसिफिकली नहीं बताती है, तो इसलिए मैं आपको इसको F3 वर्जन से कंपेयर करके समझाता हूं कि इसमें क्या चेंज होंगे। तो दोस्तों, बात करें अगर F3 वर्जन की, तो दोस्तों F3 वर्जन में RBE2 का जो रडार लगा था उसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की थी। उसमें दोस्तों 1000 TR मॉड्यूल्स लगे थे। उसका एंगुलर कवरेज 140 डिग्री का था, यानी कि 70 डिग्री अप एंड 70 डिग्री डाउन। इस रडार से दोस्तों 140 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट किया जा सकता था, 40 टारगेट को ट्रैक किया जा सकता था और 8 टारगेट को इंगेज किया जा सकता था। ये रडार दोस्तों एक फिक्स्ड प्लेट टाइप का रडार था, जिसमें कि वो ग्रिपन ई के रोटेशन वाली फीचर नहीं थी। तो ये पुराने रडार की हमने बात कर ली। अब दोस्तों, इसमें पूरी चीजों में अपग्रेडेशन किए जाने हैं। जो RBE2 का रडार लगा है, उसके F4 वर्जन में ये सारी चीजें अपग्रेड हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर इन सारी चीजों में अपग्रेडेशन देखा जाए, तो ऑब्वियस है कि अगर कोई कंपनी अपग्रेड करेगी तो रेंज एटलीस्ट वो इसकी 50 किलोमीटर तक की बढ़ाएगी ही। इसमें दोस्तों फिर सारी चीजें बढ़ जाएंगी, यानी कि डिटेक्शन भी बढ़ेगा, ट्रैकिंग भी बढ़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि जो दोस्तों नया रडार लगेगा F4 वर्जन में, वो कहीं ज्यादा घातक होगा दुश्मन के लिए F3 वर्जन से। इवन दोस्तों, अगर F3 और F4 की अगर डॉग फाइट कराई जाएगी, तो उसमें F4 बहुत पहले ही ट्रैक कर लेगा F3 वर्जन को। तो अगर राफेल और राफेल में ही आप कंपेयर करोगे, तो साफ पता चल रहा है कि F4 वर्जन काफी एडवांस हो जाएगा इस नई रडार की टेक्नोलॉजी से। साथ ही दोस्तों, ये रडार GMTI मोड में बहुत अच्छा काम करेगा। यानी कि दोस्तों, इस रडार के थ्रू किसी भी ग्राउंड मूविंग टारगेट को बहुत अच्छे से ये इंडिकेट करके बताएगा। यानी कि इस रडार के थ्रू दोस्तों, किसी भी ग्राउंड मूविंग ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी और क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों, राफेल F4 वर्जन के FSO सिस्टम यानी कि फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स में भी चेंज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये FSO सिस्टम जो होता है, ये एक्चुअल में IRST सिस्टम ही है। तो दोस्तों, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कहा जाता है जो F3 वर्जन
था वो 80 टू 90 किलोमीटर के आसपास तक था, तो इसकी भी रेंज दोस्तों अब बढ़ा के 100 से 120 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। और किसी भी दोस्तों IRST सिस्टम की 120 किलोमीटर की ट्रैकिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और इस अपग्रेडेशन के थ्रू दोस्तों सिर्फ रेंज ही नहीं बढ़ेगी बल्कि ये प्रेसीजन भी बढ़ जाएगा जो वो इंफ्रारेड को ट्रैक करता है। यानी कि एक F3 वर्जन जितना प्रिसाइजली किसी टारगेट को ट्रैक करता था वो F4 वर्जन में दोस्तों ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, चाहे वो टारगेट आपका लैंड बेस्ड हो, सी बेस्ड हो या एयर बेस्ड हो। तो ये ज्यादा प्रिसाइज तरीके से, यानी कि ज्यादा अगर किसी चीज में कम इंफ्रारेड भी है तो भी F4 वर्जन उसे आसानी से ट्रैक कर पाएगा, जहां पे हो सकता है F3 वर्जन उसे ट्रैक ना कर पाए। और साथ ही रेंज भी बढ़ जाएगी तो बहुत काम आसान हो जाएगा किसी पायलट के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट चेंज इसमें किया गया है इम्प्रूव्ड HMSD का, यानी कि हेलमेट माउंटेड साइट एंड डिस्प्ले का। इस इम्प्रूव्ड HMSD फीचर की वजह से दोस्तों एक पायलट को किसी भी क्लोज डॉग फाइट में बहुत मदद मिलती है और इसकी डेटा लिंक कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी कर दी गई है। तो देखा जाए तो ये भी F3 से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट चेंज दोस्तों इसके ऑप्ट्रॉनिक्स पॉड में किया गया है। दोस्तों राफेल में थेल्स का मल्टीफंक्शनल ऑप्ट्रॉनिक्स पॉड लगा हुआ है। दोस्तों ये एक इमेजरी सेंसर होता है जो कि दोस्तों किसी भी ग्राउंड पे जो चीजें एक्टिविटीज होती हैं, वॉर जोन जो होता है हमारा, ये उसकी इमेज कलेक्ट करता है। तो दोस्तों F4 वर्जन जो राफेल का होने वाला है वो F3 के मुकाबले ज्यादा अच्छी, ज्यादा कलरफुल और ज्यादा क्लियर इमेज नाइट में, डे में, हर तरह के समय में F3 वर्जन से ज्यादा अच्छी इमेज कैप्चर कर पाएगा। साथ ही दोस्तों इस ऑप्ट्रॉनिक्स पॉड की रेंज भी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से कि F3 वर्जन जितनी दूर तक की इमेज कैप्चर कर सकता था F4 वर्जन अब उससे ज्यादा दूर तक की इमेज कैप्चर करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों आपको यही सारे चेंजेस देख के ऐसा लग रहा होगा कि काफी अपग्रेडेशन हो गए हैं राफेल F4 में, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों अभी कुछ चेंजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया जाएगा इसके वेपन सिस्टम में। दोस्तों करंट में जो राफेल F3 वर्जन है वो माइका की जो मिसाइल को ले जाता है वो एक मिड रेंज की मिसाइल है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक की है। आने वाला जो F4 वर्जन होगा दोस्तों उसमें माइका के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि माइका NG, जिसकी रेंज दोस्तों 150 किलोमीटर तक की होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों पुराने F3 वर्जन में जो एयर टू ग्राउंड शॉर्ट रेंज की मिसाइल लगी थी AASM मिसाइल, उसमें दोस्तों 250 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाया जा सकता था, लेकिन जो नई राफेल का F4 वर्जन होगा उसमें दोस्तों इस वॉरहेड को 250 किलोग्राम से बढ़ा के इसे 1000 किलोग्राम तक का कर दिया गया है। तो ऑब्वियस है दोस्तों वैसे रेंज का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो पुरानी मिसाइल थी उसकी रेंज 60 किलोमीटर तक की थी, तो मैं मान के चलता हूं कि जो नई मिसाइल है उसमें वॉरहेड बढ़ा है, तो जहां तक पॉसिबिलिटी है रेंज में भी कुछ ग्रोथ जरूर हुई होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चेंज जो किया गया है वो राफेल के इंजन कंट्रोल यूनिट में किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर किसी फ्लाइट के इंजन कंट्रोल यूनिट में अपग्रेडेशन होता है तो ये हेल्प करेगा उस इंजन की परफॉर्मेंस को, स्पीड को, प्लस उस फ्लाइट के पर आवर कॉस्ट को भी कम करने में ये कंट्रोल यूनिट हेल्प करता है। तो दोस्तों यानी कि जो नया राफेल होने वाला है आप मान के चलो उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही साथ हो सकता है कि उसकी स्पीड भी जो अभी राफेल की 1.8 की है वो बढ़ के, जो इसकी कमी है एक तरीके से देखा जाता है, वो 1.8 से 2 मैक की भी हो सकती है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो राफेल की प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम में किया गया है। ये सिस्टम दोस्तों एक तरीका एड सिस्टम होता है जो कि उस फ्लाइट की प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज को दिखाता है, यानी कि ये सिस्टम आपको बताता है कि आपके फ्लाइट के किस पार्ट में कितनी मेंटेनेंस की जरूरत है। तो दोस्तों ये जो पुराना F3 वर्जन था उससे इसमें ज्यादा अपग्रेडेशन कर दिया गया है। तो ऑब्वियस है कि जहां पे मेंटेनेंस के मामले में F3 वर्जन अगर कुछ जगहों पे चूक जाता था, वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाता था, वहां पे F4 वर्जन ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स देख के आपको समझ में आ गया होगा कि राफेल F4 वर्जन अगर आप F3 से कंपेयर करोगे तो एक तरीके का बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल आ गया है राफेल का।
कहने को तो ये एक अपग्रेडेशन है, लेकिन ये अपने आप में बहुत आगे हो जाएगा F3 वर्जन से। तो दोस्तों ऐसे समय पे जब अभी हमें पुराने ही राफेल की डिलीवरी नहीं मिली है, अगर हम नया राफेल लेंगे तो इंडिया को दोस्तों ऑब्वियस है कि राफेल F4 वर्जन को ही लेना चाहिए। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे एक और चीज़ लगती है कि जो ये MMRCA डील आई है उसी के आसपास राफेल का ये F4 वर्जन भी अनाउंस हुआ है। मुझे तो दोस्तों ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया को भी ध्यान में रख के अपग्रेडेशन किया गया है, क्योंकि इंडिया एक नया एयरक्राफ्ट चाहिए था इंडिया को, और राफेल कॉम्पिटिशन में दूसरों से बहुत आगे बना रहे, इसलिए इस F4 वर्जन को बिल्कुल सटीक ऐसी टाइमिंग पे लॉन्च किया गया है जिस समय इंडिया इसे ले सके। लेकिन इसमें एक और चीज बढ़ जाएगी दोस्तों, आपको पता होगा राफेल बहुत महंगा ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट है जिसकी करंट में लगभग अप्रॉक्स 85 मिलियन US डॉलर तक की इसकी प्राइसिंग है। तो अगर ये सारे अपग्रेडेशन होंगे दोस्तों तो राफेल ऑब्वियस है कि 5 से 7 मिलियन डॉलर यानी कि अब ये 90 से 95 मिलियन डॉलर का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आप 85 मिलियन पे अगर आप अग्री हो राफेल को खरीदने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे समय में या तो आप ना खरीदें, और अगर F3 वर्जन आप खरीदने के लिए तैयार हैं तो F4 खरीदें। क्योंकि दोस्तों जब अभी सिर्फ 7-8 साल आने वाले 7-8 साल में ही F4 वर्जन लॉन्च हो जाएगा और F3 की टेक्नोलॉजी उस समय इतनी पुरानी हो जाएगी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच के देखो कि F3 वर्जन लेना इंडिया के लिए फायदे का सौदा होगा या नुकसान का सौदा होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राफेल का F3 वर्जन ज्यादा बेहतर रहेगा इंडिया के लिए या फिर F4 वर्जन? सारी चीजों को ध्यान में रख के आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मुस्कुराते रहिए, मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।